नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि हामिद सोचता है कि वह चिमटा ले जाकर अपनी दादी को दे तो उनके हाथ नहीं जलेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ। हामिद के सभी साथी आगे बढ़ गए हैं। सबिल पर सब शरबत पी रहे हैं। यहाँ पर शब्द है सबिल, जिसका अर्थ होता है प्याऊ, जहाँ पे ठंडा पीना, पानी, शरबत आदि मिलता है। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, किसी ने एक भी न दी, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर कहेंगे, कोई काम करने को कहेंगे तो कहूँगा, पूछूँगा। हामिद ऐसा सोचता है कि मेरे साथ ही सभी लालची है, मुझसे काम करवाते हैं। अगर कोई अब मुझसे काम करने को कहेगा तो मैं पूछूँगा कि मुझे मिठाइयाँ नहीं दी और मुझसे काम करवाते हो। खाए मिठाइयाँ, आपका मुँह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। जबान चटोरी हो जाना मतलब अच्छा अच्छा खाना खाने की आदत हो जाना। घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं तो क्या, मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। हामिद ऐसा सोचता है कि खिलौना खरीदने से बड़े खुश नहीं होंगे, लेकिन चिमटा खरीदने पर मेरी दादी खुश होगी और मुझे दुआएं मिलेगी जो अल्लाह सुन लेंगे। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा, 6 पैसे लगेंगे। हामिद के पास तो सिर्फ 3 ही पैसे थे, तो हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ जाना यह एक मुहावरा है। दिल बैठ जाना मतलब दुखी हो जाना। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुड़कियाँ न सुननी पड़े। धुड़कियाँ मतलब डांट। दुकानदार ने धुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटा जमीन पर पटक कर, जोर से पटक कर कहा, जरा अपना भिजती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। हामिद ने कहा कि मैं तो चिमटा पटक सकता हूँ, तुम अपने खिलौने पटक कर दिखाओ। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। जाओ तो इससे मंजीरा का काम भी ले सकता हूँ, मतलब इसे बजा भी सकता हूँ, आवाज़ निकाल सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते, बहादुर शेर है मेरा चिमटा। उनमें से एक सम्मी ने खंजरी ली थी, वह इस चिमटे से प्रभावित हो गया और बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। उसकी खंजरी तो महंगी थी, 2 आने की थी, फिर भी उसने हामिद से अपनी खंजरी बदलना चाहा। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास है? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं।
धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है, बड़ों से जीत करेंगे तो भी चिमटा नहीं मिले मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। हामिद सभी साथी सोचते हैं कि हामिद ने अब तक चरखी पर नहीं बैठा, मिठाइयाँ नहीं खाई, खिलौने नहीं खरीदे, ये सब इसीलिए इसने एक काम की चीज़ खरीद ली और हम सब अपने सारे पैसे खर्च कर बैठे। और इन्होंने तो तीन तीन चार चार आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले पाए ले सके। हामिद ने तीन पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक हामिद का चिमटा रहेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा पिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। सभी साथियों ने कहा कि तुम हमें अपना चिमटा देखने दो और तुम हमारे खिलौने देखो। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। महमूद जो था उसको भूख लगी तो उसके पिताजी ने उसे केले दिए, लेकिन महमूद ने किसी और को नहीं दिए और हामिद को ही दिए, क्योंकि वह हामिद से प्रभावित हो गया था। उसने सोचा कि हामिद समझदार लड़का है, उससे दोस्ती करने से मुझे फायदा होगा। तो दोस्तों, आप भी ऐसा ही करना। 11 बजे सारे गांव में हलचल हो गई, मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारी खुशी की उछली तो मियां भिश्ती नीचे आ रहे हैं और सुरलोक सिधर गए। मोहसिन नाम का जो लड़का था उसकी छोटी सी बहन थी, उसने उसका खिलौना ले लिया और उछली तो नीचे गिर गया खिलौना और वह टूट गया। मियां नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। नूरे ने वकील का खिलौना खरीदा था, उसका अंत किस प्रकार हुआ हम देखते हैं। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते। बच्चों को अपने खिलौनों से बहुत लगाव होता है, उन्हें अच्छी तरह से रखना चाहते, इसलिए नूरे ने सोचा कि मैं अपने वकील को ज़मीन पर नहीं रखूँगा। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा ना। दीवार में दो खूंटियाँ गाड़ी गई, खिल्ली लगाई गई दीवारों में, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज़ का एक कालीन बिछाया गया, आसन लगाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलाना शुरू किया। अदालतों में खसकी टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं ना, तो क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो, ये से सोचकर नूरे ने उन्हें पंखा लगाना शुरू किया। बास का पंखा आया और नूरे ने हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। माटी का चोला माटी में मिल जाना यह एक मुहावरा है, उसका मतलब होता है मर जाना, मृत्यु हो जाना। फिर बड़े जोर शोर से मातम शुरू हुआ, मतलब नूरे रोने लगा कि मेरा खिलौना टूट गया और वकील साहब की अस्थियां दूरे पर डाल दी गई। अस्थियां मतलब जो उसका टूटे हुए जो टुकड़े थे वो फेंक दिए गए। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। वह बहुत चिंतित थी अपने बच्चे को लेकर, इसलिए दौड़कर उसे उठा लिया और प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा क्यों, कहाँ से लाया? हामिद ने गर्व से कहा, मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली मतलब दुखी हो गई। यह कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। हामिद ने सोचा था कि दादी दुआएं देगी, लेकिन उसे तो डांट मिली, इसलिए वह अपराधी हो गया भाव मन में डाने लगा।
बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। दादी को जो गुस्सा आया था वह स्नेह में परिवर्तित हो गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयां खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? जब्त का मतलब होता है धीरज। उसने इतनी धीरज कैसे धरी होगी? अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। उसने हामिद को बहुत सी दुआएं दी और खुशी के मारे में वह रोने लगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी ना? तो अब अगला वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए।